हम आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल लीजिए www.vu.edu.pk। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर मौजूद एडमिशंस के मेन्यू में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके भी आप एडमिशन पोर्टल में दाखिल हो सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमाम एडमिशंस सिर्फ ऑनलाइन करवा रही है। एडमिशन पोर्टल में दाखिल होते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपको राइट साइड पर कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं जो आपको एडमिशन के हवाले से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। लेफ्ट साइड से एग्जिस्टिंग यूजर के सेक्शन से आपको लॉग इन करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आइए। यहाँ पहले अपनी नेशनैलिटी और नाम एंटर कीजिए। इसके बाद अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर एंटर कीजिए। CNIC या बे फॉर्म नंबर एंटर करते हुए बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि ये बाद में तब्दील नहीं हो सकेगा। ये CNIC या बे फॉर्म नंबर आपका अपना होना चाहिए। अपने वालिद, वालिदा या खानदानी सरबराह का CNIC मत एंटर करें। बाद अजा अगर यहाँ एंटर किया गया CNIC या बे फॉर्म नंबर आपके कवाइफ के साथ मैच ना हुआ तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आपने अभी तक अपना ईमेल एड्रेस नहीं बनाया तो नीचे दिया गया क्रिएट एन ईमेल अकाउंट का लिंक आपको जीमेल पर ले जाएगा, जिसके जरिए आप एक नया ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। जब आप ईमेल एड्रेस बना चुकें, तो यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। इसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो एंटर कीजिए। ये पासवर्ड मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और इसमें एक अपर, एक लोअर, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक पासवर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कीजिए। साइन अप पर क्लिक करते ही आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आएगा और जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर करते हुए एंटर किया था उस पर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल को खोलने पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक नजर आएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिस पर आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने का मैसेज नजर आएगा। अब वापस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में आइए और यहाँ पर अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर एंटर कीजिए। जो पासवर्ड आपने रजिस्टर करते हुए मखसूस किया था वो एंटर कीजिए और साइन इन कीजिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगॉट योर पासवर्ड का लिंक इस्तेमाल करते हुए आप अपना पासवर्ड दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करने से आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको होम का लिंक नजर आ रहा होगा। किसी भी सेक्शन से वापस इस पेज पर आने के लिए आप होम का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। माय एप्लीकेशंस के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस का लिंक नजर आ रहा होगा। इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के मुतालिक तमाम हिदायत इंग्लिश और उर्दू वर्जन्स में फराहम की गई हैं। इसके बाद आपको नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। इस लिंक पर क्लिक करके आप दाखिले के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एडमिशन फॉर्म खुल चुका है जिसमें आपको कुछ सेक्शंस नजर आ रहे हैं। इस पेज पर आपको 6 सेक्शंस नजर आ रहे हैं। इनमें से हर सेक्शन में मुतल्लिका इंफॉर्मेशन फराहम करने से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब हम पहले सेक्शन प्रोग्राम सिलेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन में सबसे पहले आप स्टडी फ्रॉम की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो विद इन पाकिस्तान, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आउटसाइड पाकिस्तान की ऑप्शन सिलेक्ट करें। आउटसाइड पाकिस्तान की ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें इम्तिहान देने के तरीके से मुतालिक तमाम कवायद व जवाबित दर्ज हैं।
ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं, तो ये ऑप्शन मत सिलेक्ट करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के चंद डिग्री प्रोग्राम्स, बिलखसूस बायोलॉजिकल साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम्स, सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम लोगों को ही ऑफर किए जाते हैं। इस वक्त हम फॉर्म में विद इन पाकिस्तान की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम के सेक्शन से अपना मुकर्रर करदा डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करें। डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए। अब स्टडी एट के सेक्शन में अपनी सहूलत के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं, एट होम और वर्चुअल कैंपस। याद रखें, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपकी फीस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम ऑप्शंस का फी स्ट्रक्चर यकसां है और तमाम ऑप्शंस को एक ही फी चार्ज होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ अच्छी कनेक्टिविटी यानी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, तो आप स्टडी एट होम की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सहूलियात मौजूद नहीं है, तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई भी कैंपस जो आपके करीब तरीन हो सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस की दो कैटेगरीज हैं। एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओन कैंपस, जिसमें ये सहूलियात आप तब भी ले सकते हैं अगर आपका स्टेटस एट होम है। तहम दूसरी कैटेगरी प्राइवेट वर्चुअल कैंपस में आप ये फैसिलिटी स्टडी एट होम के स्टेटस के साथ नहीं ले सकेंगे। लिहाजा अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कैंपस में ये सहूलत लेना चाहते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना शहर सिलेक्ट कीजिए। शहर सिलेक्ट करने के बाद प्रेफर्ड कैंपस के ड्रॉप डाउन मेन्यू से इस शहर में मौजूद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस की फहरिस्त आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर अपना प्रेफर्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस सिलेक्ट कीजिए। लिस्ट ऑफ वर्चुअल कैंपसेस सिलेक्ट करके आप वीयू के तमाम कैंपसेस की फहरिस्त और मैप पर इनकी लोकेशन देख सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन के बाद नीचे मौजूद कैमरे के आइकॉन पर क्लिक करके मखसूस कैंपस की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब हम फॉर्म के दूसरे सेक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानिब चलते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में अपना पूरा नाम, जेंडर, तारीख पैदाइश, नेशनलिटी और अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। अगर आप पहले भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो यहाँ मौजूद खाने में ओल्ड वीयू स्टूडेंट आईडी एंटर कीजिए। ओल्ड वीयू स्टूडेंट आईडी के बाद अपने मुल्क और फिर अपने शहर का नाम सिलेक्ट कीजिए। इस फॉर्म को पुर करते हुए सारी इंफॉर्मेशन एहतियात से पुर करें, क्योंकि बाद अजां किसी भी कवायद की दुरुस्तगी के लिए यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज वसूल करेगी। इजाफी चार्जेस से बचने के लिए अपना नाम बशमूल स्पेलिंग्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ और दूसरे कवायद अपनी मेट्रिक की सनद के मुताबिक पुर करें। इसके बाद आप अपने फादर या गार्डियन की इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। यहाँ पर अपने वालिद या गार्डियन का नाम, उनका CNIC और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। अगला सेक्शन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का है, जहाँ सबसे पहले आप अपने मुल्क का नाम और फिर शहर का नाम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना आर्जी और मुस्तकिल पता फराहम करेंगे। इसके बाद एजुकेशन सेक्शन में आपको अपनी तालीम के बारे में मालूमात फराहम करनी है। याद रखें कि इस सेक्शन में आप अपनी असनाद, डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स पर दिए गए मार्क्स ही एंटर करेंगे। गलत मार्क्स एंटर करने की सूरत में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन प्रोफेशनल एजुकेशन का है, जिसमें अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो वो एंटर कीजिए। अगले सेक्शन में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम करनी है। अदर्स के सेक्शन में आपको कुछ दीगर मालूमात फराहम करनी है। हाउ डिड यू फर्स्ट नो अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में मुतल्लिका ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कि आपको सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कैसे मालूम हुआ। अगर आप शोहदा के लवाहिकीन में शामिल हैं, तो यहाँ मौजूद आइकॉन पर क्लिक करके शोहदा कंसेशन के लिए मुतल्लिका फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर
और एफिडेविट जमा कराएं। इसके बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब हम एडमिशन फॉर्म के तीसरे मरहले पर पहुंच चुके हैं। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यस का ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे दिए गए फॉर्म को पुर कीजिए। याद रहे कि आपको ये स्कॉलरशिप सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है अगर आप इसका फॉर्म अपने एडमिशन फॉर्म के साथ जमा कराएंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान शोता के बच्चों और बेवा को भी फी कंसेशन फराहम करती है। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो नो का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए फीस में रियायत दी गई है। इसको अवेल करने के लिए स्टूडेंट को डिसेबल्ड फॉर्म पुर करना होगा और उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भेजना लाजमी होंगे जो स्टूडेंट की मेडिकल कंडीशन का प्रूफ होंगे। अब हम फॉर्म के चौथे हिस्से पर आ चुके हैं। अगर आप कोर्स एग्जेम्पशन या क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुतल्लिका ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। वो तलबा जो पहले से 2 साल के डिग्री प्रोग्राम यानी बीए बीएससी का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अपनी तालीम 16 साल तक लेके जाना चाहते हैं, वो भी एंट्री ऑप्शन के साथ बीएस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। ऐसे तालिबे इल्मों को चाहिए कि फॉर्म के इस हिस्से में तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कोर्स एग्जेम्पशन फॉर्म को फिल करते हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई हदायत या कोर्स एग्जेम्पशन पॉलिसी जरूर पढ़ लीजिए। कोर्स एग्जेम्पशन फॉर्म को जमा करने के लिए आपको एक फी भी चार्ज की जाएगी। ये फॉर्म उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक आप ये फी जमा नहीं कराएंगे। अभी हम नो की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन की जानिब जाते हैं। अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स के स्टेप पर आ चुके हैं। इस स्टेप पर आपने अपने तमाम ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करें, अपना मुतल्लिका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें और अपलोड नाउ पर क्लिक करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ फ्रंट व्यू अपलोड कीजिए। अगर तालीमी असनाद के अलावा आपके कोई स्किल्स के या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको यहाँ अपलोड कीजिए। ख्याल रहे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आगे जाकर गलत या फेक पाया गया तो यूनिवर्सिटी आपका दाखिला किसी भी वक्त कैंसिल कर सकती है और आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। ब्लैकलिस्ट होने की सूरत में आप शायद किसी और यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ना ले सकें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मूव टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब हम एडमिशन फॉर्म को सबमिट कराने के लिए लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम इस एडमिशन फॉर्म को सबमिट करें, आइए हम इस एप्लीकेशन का स्टेटस देख लेते हैं। होम पर क्लिक करने से यहाँ आपके सामने इस एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले एक बार फिर अपने कवायद और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे कि तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही फराहम की गई है। आई एग्री पर क्लिक कीजिए और रिव्यू योर एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले एक बार अपने कवायद और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप अपना वाउचर लीजिए और अपनी फी जमा कराइए। यहाँ आपको एक क्लाउड का आइकॉन नजर आ रहा है। जब आप फीस जमा कराएंगे तो ये आइकॉन खुद ब खुद नजर आना बंद हो जाएगा। अगर आपने फी मुकरर करदा बैंक में अस खुद जाकर जमा कराई है और ये क्लाउड का आइकॉन गायब नहीं होता तो आप इस पर क्लिक करके फी रसीद की स्टूडेंट कॉपी अपलोड कर सकते हैं। प्रिंट वाउचर पर क्लिक करके आप ये चालान फॉर्म हासिल कर सकते हैं। दिए गए बैंक में से किसी बैंक या टेलीनॉर इजी पैसा के जरिए आप ये चालान जमा करवा सकते हैं। अगर आप बैंक में चालान जमा कराने की बजाय घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन फराहम करने के बाद आप घर बैठे अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए फी जमा करवा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें, कोई भी रकम बैंक या मखसूस करदा चैनल्स में ही जमा करवाएं।
वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान किसी और को ऑथराइज नहीं करती कि वो आपसे पैसे वसूल करे। बात अजा किसी नुकसान की सूरत में वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जमा कराने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब आपका फॉर्म या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर आपका फॉर्म किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी और वजह से रिजेक्ट होता है तो आप एक नया फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो ये वेरीफाई करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है। अगर फॉर्म जमा करवाते हुए आपको कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने करीबी कैंपस से रहनुमाई हासिल करें या इन्फो डेस्क के इन नंबर्स पर कॉल करके मालूमात हासिल करें। 03044110880 या टोल फ्री नंबर 1111880880।